हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको स्वागत है मेरे चैनल में। अभी मैं भीड़ में बैठा हूँ। आप सब लोग कैसे हो? अभी मैं भीड़ में बैठा हूँ। भीड़ का मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। अभी मौसम अभी बारिश रुका है, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। और अभी पैराग्लाइडिंग का सीज़न नहीं है, मैं ये जगह भीड़ है, अभी पैराग्लाइडिंग का सीज़न नहीं है, अभी ऑफ है, सीज़न ऑफ। और अभी मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, कुछ बढ़िया दिखाना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने वो थंबनेल देख के पता चल गया होगा मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। लेट्स लुक एट दिस बीस्ट। Look at this beast. This beast is crazy, you know. आप लोग देख सकते हो। What is this? Actually, what is this? ये क्या है? ये क्या है? हाँ? ये वाला this is I wanna call this super scooty. Super bike नहीं, super scooty बोलूँगा मैं. Super scooty. इसका जो look है बहुत ही बढ़िया है। ये अभी ये आके यहाँ पे ये लॉन्च करके आठ महीना हुआ है अभी ये ना, ये लॉन्च करके ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये बाइक कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा है, बढ़िया है बाइक। इसको इसका ये देखो क्या बोलते हैं कलर है, व्हील देखो, व्हील कितना बड़ा है। एब्रिलर अच्छा है दिया, एब्रिलर से भी बढ़िया है ये। 155 रहता। ये लेना चाह रहा है, ये लेगा बोला, लेना है क्या? हाँ सोच रहा है। लेना तो सब चाहता है पर इन लोग ढूंढ के थक जाएगा भाई। हम भी थक गया भाई, बहुत थक गया, बाल सफेद हो गया भाई ढूंढ के। ओके सो ये वाला बाइक है, ये इसका ओनर कौन है? ये हमारा भाई है, इसने ये स्कूटी लिया है। अभी हिमाचल में फर्स्ट है आई गेस, वाह है ना, हिमाचल में फर्स्ट है। और इसने अभी बहुत मेहनत किया ये स्कूटी लेने के लिए। बोलो कहाँ से लिया ये? चंडीगढ़ में भी गया है और मंडी में भी गया है, हिमाचल में भी गया है, और सब घूम के थक गया मैं। अभी बाल पूरा सफेद हो गया मेरा थक के। अभी लास्ट में कहाँ से लिया? मैं दिल्ली से लिया था, एयरपोर्ट के पास है। अच्छा, वहाँ से लिया, वो भी मुश्किल से मिला, मैंने बुकिंग किया था। अच्छा, पहले से बुकिंग किया? पहले से मैंने बुकिंग किया था, फिर मेरे को मुश्किल से एक मिला था। जो कलर चूज नहीं की, कलर चॉइस नहीं होता है, ये नहीं मिला है ना, ये मिल गया तो बहुत अच्छा। यही मिल गया तो बहुत है बोल रहा है ना, क्योंकि उसको अभी कलर चूज करने का ऑप्शन ही नहीं मिला बोला। पैसा होगा तभी भी नहीं मिल रहा है। पहले बोलता था माँ बाप नहीं मिलता था, अभी स्कूटी भी नहीं मिल रही है। अब स्कूटी भी नहीं मिल रहा है बोल रहा है। ये देखो आप लोग, स्कूटी तो बहुत बढ़िया है, ये यामाहा का एरोक्स, यामा का एरोक्स। ये नया स्कूटी है, शायद ये 8 महीने पुराना है, मतलब है ना, यहाँ पे लॉन्च होके। ये अभी हिमाचल में फर्स्ट स्कूटी है, आप लोग देख सकते हो। आप इसका कीमत मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले मैं आप लोगों को ये व्हील्स का जो व्हील्स है ना, पहिया भाई रहा, हाँ पहिया है ना उसका, वो दिखाऊँगा, वो बहुत ही बढ़िया है। आप फ्रंट का देखो, इतना मोटा है देखो। और डिस्क ब्रेक सब कुछ है इसका। और पीछे तो इससे भी बढ़िया है, देखो पीछे का देखो, इतना मोटा है। और व्हील्स ना बहुत ही बड़ा है, ये मतलब कि R15 जैसा वैसा बाइक है ना, इसकी तरह ही व्हील्स है, बहुत ही बड़ा है। और इसका जो
मीटर है यहाँ पे है और इसका जो ऑन ऑफ यहाँ पे है, ये है फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक यहाँ पे रखा है सीट। हाँ देखो सीट, ये फ्यूल टैंक यहाँ पे रखा है, ये बहुत बढ़िया है। हाँ और दे दूँगा सीट, पीछे वाला सीट तो बहुत ही बढ़िया है। देखो पीछे तो हेलमेट जाएगा, आराम से जाएगा, बहुत ही स्पेस भरा है। इसका लीटर कितना है शायद वो तो यहाँ पे नहीं लिखा है, इसका लीटर बहुत ही बड़ा है, बाकी स्कूटी से भी बड़ा है ये। और देखो नया स्कूटी अपना भीड़ में है अभी ये। हाँ ये वाला नया है, देखो ये वाला कुछ, ये कुछ फिल्टर जैसा लग रहा है, मेरे को तो पता नहीं ज़्यादा, ये कुछ फिल्टर जैसा लग रहा है ना। ये स्कूटी दूसरे स्कूटी में नहीं होता इतना, देखो। और इसका सीसी है, ये बाइक का सीसी है, सीसी 155 सीसी है और बहुत ही बढ़िया है, यामाहा ने नया नया निकाला है ये। और देखो ये देखो, अगर ये भाई लेना चाहता है, मैंने बोला इसको टेस्ट करो कैसे है। हाँ चलो चलो, ये स्पीड बहुत बढ़िया है यार, धीरे चलाना। हाँ एरोप्लेन जैसा फील हो रहा है। चलो मर देखो, देखो दादी छोज दिल लाओ, रिव्यू लाओ उड़ता, खंडित दिल लाओ उड़ता, क्या के गाला दादी दा। यो एलियन का यूएफओ तो चिक बचिक जान रहे हैं, ये तो यूएफओ की सिम दस्ते वाले वाले तो हिंदी का लगा था, भगवान दे सिंगे, भगवान दे दिल लगा। कैसे है स्कूटी, कैसे है ये चला दिए, कैसा लग रहा है स्कूटी? तो बहुत स्मूथ है, स्मूथ है। पावर कैसा है? पावर बहुत अच्छा, अभी तो नया है ना इसलिए होगा। 155 है सीसी, 155 सीसी है ना। हाँ ये बोल रहा है हवाई जहाज जैसा है, ये बोल रहा है बहुत ही बढ़िया। अब ये लेने मम्मी को बोलेगा, अब ये लेगा तो अच्छा होगा ना। हाँ अभी अभी ये बंदा है ना, अभी मम्मी को परेशान करेगा, मेरे को ये लेना है लेना है बोलेगा, क्योंकि मैंने चलाया है ना, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। हाँ अब प्राइस के बाद में बात करते हैं, प्राइस कितना दिया? हमने एडवांस 5000 दिया था, उसके बाद में 1,52,000 वो दिया था। अच्छा ऑन रोड पूरा, अच्छा ऑन रोड पूरा। हाँ ये स्कूटी ख़रीदने के लिए 1,52,000 ऑन रोड प्राइस, और आप भी ले सकते हो। दिस इज़ द फर्स्ट यामाहा एरोक्स इन हिमाचल आई गेस, मैंने बाकी यहाँ पे नहीं देखा ये वाला, इसलिए मैं सोच रहा था कि मेरे व्यूवर्स जो मेरे सब्सक्राइबर है उन लोगों को दिखा दूँ। सो यहाँ आप ये चलाएगा, देखो कैसा लग रहा है। हेलमेट में, हेलमेट का कितना दिया? 2000 वो ये भी दिल्ली से लिया है। आप देखो चला रहा है, ये रिबिन क्या है, ये किसने लगाया? ये कंपनी वाला ने लगाया, कंपनी वाला लगाना है ये ना, दिल्ली से लिया है और दिल्ली, वो दिल्ली गया और इसके बाद वहाँ से बस में डाल के लेके आया। चलो भाई आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है, तो नहीं होता धीमा। अगर आप लोगों को लेना है तो ये स्कूटी ले सकता है, ये स्कूटी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, अभी मैंने देखा है ना और मैंने भी चलाया है। ये दूसरे स्कूटी से थोड़ा अलग है और पावर भी बहुत अच्छा है। वाओ ऑलराइट, तो फिर ये आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये बंदा बहुत ही खतरनाक है, शेयर कर देना, लाइक कर देना, लाइक कर देना, और ये वाला इसका भी कर देना, इसका भी करना। ये वाला स्कूटी अभी हिमाचल में नया है, ले जो हिमाचल में फर्स्ट है ये स्कूटी, और इस बंदा ने लिया है। ऑलराइट सो आई एम गोना साइन अप नाउ, सी यू नेक्स्ट टाइम। देख सकते हो पाँव बहुत अच्छा लग रहा है, देखो नीचे आराम से, और ये यहाँ पे रख सकता है, बहुत ही बढ़िया है। ये लेके लादा जाएगा भाई।
कौन मेरे साथ लद्दाख जाना चाहते हो आप बोल सकते हो विद दिस स्कूटी आई एम गोना गो टू लद्दाख बहुत ही बढ़िया लग रहा है